क्या आप भी ढूंढ रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में 3 BHK का फ्लैट जो एल कॉर्नर पे बना हुआ है और पूरे 125 गज में है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 BHK का स्पेशियस फ्लैट और वो भी आपके बजट में होने वाला है। एंड फैसिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपको पार्किंग की लिफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है, साथ में इजिली लोन तो हम आपको करवा के ही देंगे। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको नियर सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन मिल रहा है, 200 मीटर की दूरी पे मेन रोड रहेगा और नियर बाय आपको पार्क, जिम, स्कूल, मार्केट सब कुछ पास में तो मिलने वाला ही है। तो देरी किस बात की है, आप भी देखना चाह रहे होंगे मेरे इतने बताने के बाद कि हाँ भी मैं कैसा फ्लैट लेकर आई हूँ। एक मस्त सा फ्लैट है, मैं आपको दिखाऊंगी ये फ्लैट को और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको और स्पेशियस लगा कि नहीं लगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने फ्लैट को। आ गए हम अपने फ्लैट की ओर, राइट साइड में हमारा लिफ्ट एरिया रहेगा एंड ये हमारे स्टेयर एरिया रहेगा। साइड में देख सकते हैं कि यहाँ शू रैक रखा हुआ है, आप भी अपने शू रैक को यहाँ रख सकते हैं। सो एंट्री करते हैं हम अपने फ्लैट पे तो हमारा लिविंग एरिया आ रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये स्पेशियस फ्लैट रहने वाला है हमारा, तो आप खुद स्पेस देखिए कि कितना स्पेस है यहाँ पर। यहाँ आप अपने डांस भी सिखा सकती हैं गर्ल्स। एंड वॉलपेपर्स देखेंगे कि वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सिंपल सा एंड शाइन कर रहा है। आपको हैंगिंग लैंप भी हम लगा कर दे रहे हैं। टीवी पैनल के लिए देखिए कितना बड़ा टीवी पैनल के लिए स्पेस दिया हुआ है। एंड स्पेस की बात करूँ मैं, कितने सारे आपको ड्रॉर्स दिए हुए हैं कि सामान अगर आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। पार्टीशन दिया हुआ है, यहाँ इजली डेकोरेटेड आइटम रख सकते हैं कुछ भी। और एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर लाइटिंग्स की भी कमी नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भी कैसे लाइट लगाई हुई है हमने, छोटे छोटे से ऊपर की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग देख सकते हैं, पीओपी वर्क देख सकते हैं और झूमर देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इस हॉल में। एसी के लिए भी आपको स्पेस दिया हुआ है, स्प्लिट एसी के लिए, ताकि गर्मियों में आपको प्रॉब्लम ना हो। हम सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि अच्छे से आपको वर्क करके दे कि आप फ्लैट को देखें क्योंकि वाओ क्या फ्लैट है। जैसे मैंने पार्टीशन की बात की तो देखिए साइड में भी यहाँ पार्टीशन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पर। आप तो बस ये सोचिए कि किस तरह से इस घर को हम डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप डेकोरेट करेंगे उतना ही घर अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले अपने किचन की ओर। किचन में भी आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप इजिली यहाँ पर, कई बार गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान होता है खाने पीने का, तो यहाँ पर आराम से आप रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ क्लोजली, अभिषेक जी को कहूँगी क्लोजली दिखाए, हमने यहाँ ब्रांडेड चिमनी लगा कर दी आपको, जो कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने जैसे आपको स्पेस की बात की तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी अलमीरा मिल रही है, ड्रॉर्स दिए जा रहे हैं ताकि आपके किचन के सामान आराम से आ जाए। ऊपर की साइड भी दिए हैं और नीचे की साइड में भी दिए हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि लाइटिंग्स की कमी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने लाइटों का वर्क किया हुआ है कि किचन में आपको चारों तरफ से लाइट मिलेगी। फुल्ली वेंटिलेटेड हाउस है आपका ये, और साथ में पेंट्री भी दे रहे हैं स्पेस के लिए। नॉइस फ्री हमारी ये सिंक रहेगी। और आप जैसे ये स्पेस देख रहे हैं, ये हमारा स्पेस जो दिया हुआ है फ्रिज के लिए दिया हुआ है। और जैसे मैंने डेकोरेट के लिए कहा आपको, इंटीरियर डिजाइन की बात किया तो देखिए ऊपर हैंगिंग लैंप यहाँ पर किचन में भी लगा हुआ है। कुछ यूनिक ट्राई किया है हमने ताकि आपको कुछ कम सोचना पड़े कि हाँ भी हमें डेकोरेट करना है, नहीं आधे से ज़्यादा तो हम आपको डेकोरेट करके दे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। जैसे मैंने आपको कहा फुल्ली वेंटिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बालकनी से कितनी अच्छी धूप आ रही है। सर्दियों में आप धूप का मजा ले सकते हैं यहाँ पर।
एंड स्पेस की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि अगर आप बेड डाल लेंगे एक साइड में तो भी आपको बहुत स्पेस मिलने वाला है। लैंप हम आपको यहाँ लगा के दे रहे हैं, डेकोरेटेड आइटम, कितना प्यारा लग रहा है ये। ऊपर आप देख सकते हैं कि पीओपी की हुई है, फॉल सीलिंग्स वर्क देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि आप कितनी प्यारी लग रही है ऊपर की पीओपी एंड फॉल सीलिंग वर्क। जैसे मैंने आपको कहा वेंटिलेटेड है, बालकनी भी दी हुई है और एसी के लिए आपको यहाँ स्पेस दिया है, विंडो लगाई हुई है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी बालकनी की ओर। देखिए बालकनी में एल कॉर्नर का आपका ये फ्लैट रहेगा, तो बालकनी भी एल कॉर्नर की है और स्पेस तो देखिए कि कितना स्पेस है यहाँ पर। एंड इजली आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं या मज़ा ले सकते हैं यहाँ का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपकी टू रूम से अटैच है और बैक साइड में भी दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर भी स्पेस है बालकनी में। तो कैसा लगा आपको बालकनी का स्पेस? बच्चे यहाँ खेल कूद भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हुए हम अपने सेकंड रूम में आ गए। आपको लगा होगा कि मैं फर्स्ट बेडरूम में हूँ, नहीं, मैंने कहा दोनों रूम से अटैच है आपकी ये बालकनी, तो हम सेकंड रूम में आ गए और ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम में भी आप स्पेस देखिए, सेकंड रूम में भी कि कितना स्पेस है। कोई होता है कि फर्स्ट बेडरूम बड़ा बना दिया दिखाने के लिए तो सेकंड रूम में स्पेस कम रहता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। वॉल पेपर देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है और साइडों में हमने आपको हैंगिंग लैंप लगा के दिया हुआ है जो शोभा बढ़ा रहा है आपके रूम की। और ऊपर आप देख सकते हैं प्यारी सी ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग पीओपी देख सकते हैं, उसमें लाइटों का वर्क देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और इस फ्लैट आपको टीवी पैनल के लिए भी रूम में स्पेस दिया हुआ है, इजिली टीवी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने रिमोट रख सकते हैं। जैसे कि स्पेस की बात की है मैंने, तो आपको रूम में अलमीरा भी दी हुई है कि आपको अलमीरा भी लेके आने की जरूरत नहीं है। टू साइडेड ओपन होती है और स्पेस आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से कितना स्पेस है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। टाइलों का वर्क देख सकते हैं, एंड टू एंड टाइलें लगी हुई है, शाइन कर रही है जो। और सैनिटरी फिटिंग हम आपको करवा के देंगे आपके आने के बाद। जैसे मैंने आपको टाइलों का वर्क किया दिखाया है, मैं आपको हॉल में भी दिखा देता हूँ कि फ्लोर पे देख सकते हैं कि है ना टाइलों का वर्क किया हुआ जो शाइन कर रही है। चलिए अब आपको मैं कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी एंड टू एंड टाइलें लगी हुई हैं, फॉल सीलिंग्स लगाई हैं, सैनिटरी फिटिंग तो हम आपको करवा के ही देंगे। हमारा ये थर्ड बेडरूम भी मास्टर बेडरूम रहेगा और स्पेशियस रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कितना स्पेस है यहाँ पर, एंड वाओ कितना प्यारा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एंड बेड डालने के बाद भी बहुत स्पेस रहेगा। वॉलपेपर देखिए ब्लैक येलो कलर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर फॉल सीलिंग के साथ साथ वुडन का भी वर्क किया हुआ है। जैसे हम हमेशा अपने फ्लैट में कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश करते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर भी हमने कुछ ट्राई किया अलग से। विंडो एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है, विंडो लगाई हुई है रूम में। टीवी पैनल के लिए स्पेस देखिए कि कितना स्पेस है और लाइटों का वर्क भी देखिए कि कैसे साइडों में लाइटों का वर्क किया हुआ है जो शाइन कर रहा है। ड्रॉर्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर कि आपके सामान इजिली स्टोर हो जाए। तो चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ यहाँ का, जहाँ पर टाइलों का वर्क किया हुआ है और सैनिटरी फिटिंग हम आपको करवा के देंगे, शाफ्ट लगी हुई है। आइए अब ये आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर कि ड्रेसिंग टेबल के लिए भी जगह दी हुई है कि आप अगर रखना चाहे तो यहाँ अपने मेकअप के सामान रख सकते हैं। और अपने साइड में हमने अलमीरा दी है कि आप अपने कपड़े रख सकते हैं और फुल्ली स्पेशियस है। सो कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार सा स्पेशियस सा फ्लैट जो आपके बजट में होगा? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं अब आपके लिए लेके आती रहूंगी ऐसे ही शानदार से फ्लैट, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।